उत्तराखंड में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते डेंगू ने चुनौती भी बढ़ा दी है। वहीं अभी कई जिलों में डेंगू संक्रमण दस्तक दे चुका है। अब तक प्रदेश में डेंगू के 192 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकथाम और बचाव के लिए प्रभावित जिलों को गहन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमितों की रफ्तार धीमी होने से स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी राहत मिली ही थी, लेकिन अब डेंगू संक्रमण की रोकथाम और बचाव की चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदेश के मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत पौड़ी और टिहरी जिले में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के संक्रमण के फैलाव की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के जनपदों में डेंगू नियंत्रण और रोकथाम से संबंधित गतिविधियों का संपादन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। विभाग के प्रयासों के तहत राज्य के जनपदों में आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर डेंगू से बचाव संबंधित सावधानियों को आम जनमानस के साथ साझा किया। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में डेंगू संक्रमण तेजी से फैला था, जहां कुल 10,622 लोग डेंगू की चपेट में आए, जबकि 8 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं 2020 और 2021 में कोविड महामारी के दौरान डेंगू का प्रभाव कम था। विशेषज्ञों के मुताबिक हर 2 और 3 साल बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सभी जिलों को डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए SOP जारी की थी। देहरादून से अवनीश जैन की रिपोर्ट। और जो अगर